हाँ दोस्तों, ये देखिए एल जी 8.5 टी अडेप्टेबल का टिपिकल आउटडोर वायरिंग। ये इसका मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर है और ये इसका सिंगल फेस प्रिवेंटर, और ये इसके जो है कनेक्शंस, सारे के सारे कनेक्शंस ये आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर वन में आर फेस लगा है, नंबर टू में वाई फेस लगा है, नंबर थ्री में बी फेस लगा है, और ये न्यूट्रल कनेक्शन और ये अर्थ कनेक्शन। और यहाँ इसी तरह यहाँ देखेंगे तो इंडोर के लिए जो है आर फेस है, फिर ये इंडोर का न्यूट्रल कनेक्शन, इंडोर को न्यूट्रल जाने के लिए, फिर ये अर्थ इंडोर के लिए, फिर यहाँ जो है इंडोर से जो है आउटपुट है सीपी, तो मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर एनर्जाइज करने के लिए, तो मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर का एनर्जाइज करने के लिए ये जो है नंबर 10 ये इंडोर से जो है आउटपुट है, और 11 LP HP की सीरीज कनेक्शन है। ऐसे 11 में अगर वोल्टेज देंगे तो यहाँ से सीधा जो है LP को जाएगी, फिर वहाँ से LP से जो है लूप होके HP को जाएगी, HP से आउटपुट आएगी। ये आउटपुट हम किसी भी कंट्रोल में अपने PCB में लगा सकते हैं। ये देखिए, जब यहाँ से नंबर 10 में जो है इंडोर से आउटपुट आता है मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर एनर्जाइज करने के लिए, तो ये सीधा जो है यहाँ से निकल के ये हमारे फेस प्रिवेंटर में जा रहा है। अभी फेस प्रिवेंटर का लाइट देख सकते हैं आप ऑन, इसका मतलब ये वोल्टेज जो है बिल्कुल बराबर है। अगर इनके वोल्टेज अंडर वोल्टेज रहेगा तो ये UV लाइट अंडर वोल्टेज का लाइट जो है ये ऑन रहेगा, और ये अगर ओवर वोल्टेज रहेगा मैसा 440 वोल्ट के ऊपर अगर रहेगा तो ये लाइट जो है ऑन रहेगा। इनकेस फेस रिवर्स हो गया, फेस का सीक्वेंस अगर चेंज हो गया तो ये लाइट जो है ऑन रहेगा। अगर इनकेस सिंगल फेसिंग होगा तो ये लाइट जो है ब्लिंक होगा। तो यहाँ से जब आउटपुट आने के बाद में सीधा नंबर 15 के अंदर जाएगा, 15 से जो है 18 में निकलने के बाद में सीधा जो है मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर को जाएगा, मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर जो है एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होने के बाद हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर जो है चालू हो जाएगा। देख सकते हैं कैसा अगर एनर्जाइज होगा तो हमारा कंप्रेसर और जो है कंडेंसर फैन मोटर एनर्जाइज होगा। ये दो कैपेसिटर है, दो फैन मोटर, इसमें दो फैन मोटर है, दो कंडेंसर फैन मोटर है। दो कंडेंसर फैन मोटर के जो है ये दो कैपेसिटर है, और ये फैन का कनेक्शन है, दो फैन के कनेक्शन नंबर 13 और नंबर 14। और इसका वायरिंग डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आउटडोर पावर सप्लाई RYB न्यूट्रल और ग्राउंड, और ये इंडोर के लिए टू इंडोर फेस न्यूट्रल ग्रीन ग्राउंड, और ये जो है ये जो है स्टार्ट कमांड है, और ये HP कमांड और ये LP कमांड। ये इंडोर के लिए ये जो है इंडोर को जाएगा और ये इंडोर से आएगा। अब यहाँ पे एरो मार्क देख सकते हैं टुवर्ड्स इंडोर है, अरे तीन एरो मार्क देख सकते हैं फ्रॉम इंडोर है। ये स्टार्ट कमांड सीधा जो है फेस प्रिवेंटर में लगा है, लगने के बाद उसका आउटपुट सीधा जो है अपना मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर के अंदर लगा है।